डीएसपी सर को दिया है, क्या पूरा प्रकरण था? पूरा प्रकरण ये था कि मैं मुफ्ती हाशिम मेहंदी की पत्नी हूँ और मेरे मुफ्ती हाशिम मेहंदी एक नेता है कांग्रेस में। अच्छा अच्छा। और ये लड़की सबा खान मेरे घर में काम करने के लिए आई थी, बहुत गरीब थी और ये नहीं पता था कि ये कॉलगर है। मेरे हस्बैंड ने इसको खड़ा किया और खड़ा करने के बाद में इसको एक ऊंचाइयों पे पहुंचाया। उसने इस चीज़ का गलत, मेरे हस्बैंड बस ये है कि उसने उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया और नशे में उनकी फ़ोटो वगैरह खींची है और अब उनको ब्लैकमेल करती है, हमको ब्लैकमेल करती है, फ़ोन करती है। मैं एक वर्कर हूँ, मैं जॉब करती हूँ, लखनऊ में रहती हूँ। ये मेरी नंद है, मेरे हस्बैंड की बहन, ये भी लखनऊ में रहती हैं, जॉब करती हैं और वो हम लोगों से पैसे मांगती है और कहती है कि इज्जत और हर चीज़ को बर्बाद कर देंगे, रेपुटेशन को, हर चीज़ को। तो हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ के लिए हम लोगों की रक्षा की जाए और ऐसी लड़कियों से प्लीज़ हम लोगों को बचाया जाए। क्या क्या डिमांड क्या कर रही है? डिमांड वो बस पैसे मांगती है, कभी फेसबुक पे उल्टी सीधे चलाती है, कोई उसको मार दे तो मुझे मारा गया है, मुझे ऐसे किया गया, मुझे वैसे किया गया, झूठ नहीं। जब वो यहाँ पर है ही नहीं तो वो उसे कैसे मार सकते हैं? वो इस टाइम पे लखनऊ में है और माइंडली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं और उन्हें बहुत मतलब डिप्रेशन में चले गए। कब से चल रहा है, कब से चल रहा है मामला? दो तीन साल से। ये आपके घर इम्प्लॉई के तौर पे काम भी कर किया है, कितने दिन काम किया होगा? इसने काम किया है, साल बाल भर काम किया। उसके बाद से ये आपको जानकारी कब पता चला ये सब? ये मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया क्योंकि एक होती है कोई चीज़ें कि वो दबाते चले जा रहे थे, दबाते चले जा रहे थे कि घर में बीवी को पता चलेगा, वाइफ को, बहन को, तो क्या ही मतलब रेपुटेशन से बचे। इस चीज़ को दबाते दबाते वो आज इस नौबत पे पहुंच गए, मौत और जिंदगी के बीच में पहुंच गए। क्योंकि आप जानते हैं डिप्रेशन लफ बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इंसान को जीते जी अंदर से मार देती है। तो आपने भी कहाँ शिकायत किया? कहाँ शिकायत किया आपने? मैंने आज मजिस्ट्रेट के वहाँ दे दिया है और कप्तान सर है नहीं तो मैं कल फिर आऊँगी उनको देने। अच्छा, ये चीज़ बताइए, आपकी हस्बैंड को परेशान किया जा रहा है तो हस्बैंड ने एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया? देखिए, हस्बैंड इस सिचुएशन में नहीं है कि वो दें, और वो फ़ोन करके मुझसे भी पैसों की डिमांड करती है, मुझे भी गालियाँ देती है, तो मेरा है कि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हूँगी ना। ठीक ठीक, क्या नाम आपका? सिचुएशन में एक लिमिट होती है सर, एक लिमिट होती है।